रहमान रहीम, आज हम डिफरेंट फ्रूट्स की स्मूदी बनाएंगे। ये रिफ्रेशिंग और हेल्दी स्मूदीज इजीली घर पर बन जाती हैं, बहुत क्विकली और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। आप एनी टाइम ये बना सकती हैं, लेकिन अफ्तार और सहर के लिए ये बहुत रिफ्रेशिंग और हेल्दी हैं। आप चाहें तो फ्रोजन फ्रूट्स भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश इज ऑलवेज बेटर। फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए स्मूदीज बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी के लिए एक बनाना और 5-6 बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज को इस तरह पीसेस में काट लें। मैंगो स्मूदी के लिए एक बड़े साइज़ का मुलायम पल्प वाला आम इस तरह क्यूब्स में काट लें। रेसबेरी स्मूदी के लिए 3/4 कप फ्रेश रेसबेरीज ले लें। ब्लूबेरी स्मूदी के लिए 3/4 कप फ्रेश ब्लूबेरीज ले लें। दही फॉर ईच स्मूदी 1-1 कप भरकर, अगर ज़्यादा थिक और क्रीमी स्मूदी पसंद है तो आप ग्रीक योगर्ट यूज़ करें। मिल्क फॉर ईच स्मूदी 1/4 कप, अपनी पसंद के हिसाब से जितनी थिक स्मूदी चाहिए आप दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर दें। स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी के लिए 1/4 कप ऑरेंज जूस, शहद या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आप चाहें तो शहद के बजाय कंडेंस्ड मिल्क, चीनी या अपनी पसंद का कोई भी स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। खजूरें 2-3 फॉर ईच स्मूदी या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी ऐड करना चाहें। खजूरों को भी गुठलियाँ निकाल कर इस तरह पीसेज में काट लें। सब फ्रूट्स और खजूरों को 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये खूब ठंडे हो जाएं। इसमें मैं आइस ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आइस ऐड कर देने से स्मूदीज की कंसिस्टेंसी फिर वाटरी हो जाएगी। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी बनाते हैं। ब्लेंडर में दही, बनाना और स्ट्रॉबेरीज, मिल्क और ऑरेंज जूस ऐड कर दें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शहद भी डाल दें। मैं इसमें खजूर ऐड नहीं कर रही, आप चाहें तो ऐड कर लें। अब ब्लेंडर को आप उतनी देर तक चला लें जब तक सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड होकर स्मूद हो जाएं। अब ये रिफ्रेशिंग और हेल्थी स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी तैयार है। सर्विंग के लिए इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हनी और स्ट्रॉबेरी सिरप ड्रिजल कर लें, चाहें तो ग्लास में इस तरह से हनी डालकर स्मूदी सर्व करें। अब हम मैंगो स्मूदी बनाते हैं। ब्लेंडर में दही, कटा हुआ आम और मिल्क ऐड कर दें। अगर थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो बेशक आप दूध स्किप कर दें। थोड़ा सा हनी भी डाल दूंगी। अब ब्लेंडर को सारी चीज़ें स्मूथ होने तक चला लें। मैं इसके ऊपर सर्विंग के लिए हनी ड्रिजल करूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंगो स्मूदी भी तैयार हो चुकी है। प्लेन या हनी ग्लेज ग्लास के अंदर इसको सर्व करें। इसके ऊपर आप छोटे छोटे आम काट कर उसके साथ गार्निश कर सकते हैं और थोड़ा हनी ऊपर ड्रिजल कर लें। मज़ेदार मैंगो स्मूदी भी तैयार है। अब हम रेसबेरी स्मूदी बनाएंगे। ब्लेंडर में दही, रेसबेरीज, हनी और खजूरें काट कर डाल दें। अब इन सब को ब्लेंड कर लें। इसमें मिल्क ऐड नहीं करना क्योंकि बेरीज खुद बहुत वाटरी होती हैं, स्मूदी फिर बहुत लिक्विडी हो जाएगी। अब आप एक ग्लास के अंदर रेसबेरी सिरप या रूह अफ़ज़ा को इस तरह से फैलाकर स्मूदी को इस ग्लास में सर्व करें और फ्रेश रेसबेरीज के साथ गार्निश कर लें। रेसबेरी स्मूदी भी तैयार हो चुकी है। अब हम ब्लूबेरीज की स्मूदी बनाएंगे। अब भी सबसे पहले दही डालें, अपनी पसंद के हिसाब से जितनी आपको चाहिए ब्लूबेरीज और खजूरें ऐड कर लें। अब इनको भी अच्छी तरह स्मूद होने तक ब्लेंड कर लें। ब्लूबेरीज भी बहुत वाटरी होती हैं, इसलिए मैंने इसमें भी मिल्क ऐड नहीं किया। ब्लूबेरीज की स्मूदी भी तैयार है। अब हमारी रिफ्रेशिंग और हेल्दी फ्रूट स्मूदीज तैयार हैं। ये बनाने में बहुत ही क्विक और ईजी हैं, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी।